आप क्या चाहते हैं? आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आजकल विवाद में बहुत आते हैं। आजकल नहीं, अक्षरा का नाम ही विवाद है, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये विवाद चलता रहेगा, और जब तक हड़कंप ना मचे, जब तक बवाल ना हो, तब तक एक आर्टिस्ट होने का मतलब क्या है? आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ एंड मैं जो भी कर रही हूँ, बवाल मचना चाहिए बस, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बस बवाल मचना चाहिए बस। भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अक्षरा सिंह और विवादों का पुराना नाता है, ये हम नहीं खुद अक्षरा सिंह कह रही है। एक इवेंट के मौके पर पटना पहुंची अक्षरा सिंह ने कहा कि जब तक वो रहेंगी विवाद भी रहेगा। इतना ही नहीं, अक्षरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो कलाकार ही क्या जिसके साथ विवाद ना जुड़ा हो। इस मौके पर अक्षरा ने अपने लाइफ की फिलॉसफी भी बताई और फैंस के रिक्वेस्ट पर गीत भी गाए। आप क्या चाहते हैं? आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आजकल विवाद में बहुत आते हैं। आजकल नहीं, अक्षरा का नाम ही विवाद है, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये विवाद चलता रहेगा, और जब तक हड़कंप ना मचे, जब तक बवाल ना हो, तब तक एक आर्टिस्ट होने का मतलब क्या है? आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ एंड मैं जो भी कर रही हूँ, बवाल मचना चाहिए बस, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बस बवाल मचना चाहिए बस। नए साल पे कौन सा गाना पड़ेगा? नए साल पे अभी कमरिया रिलीज हुआ है अक्षरा सिंह ऑफिशियल चैनल से, एंड मैं चाहती हूँ, सभी दर्शकों से निवेदन करती हूँ, आप लोग कमरिया सुने, एक अलग तरीके का है, थोड़ा डांसिंग नंबर है, बहुत टाइम बाद ये गाना आया है, और भी नए साल के और भी गाने आ रहे हैं जो आप सुने और इन्जॉय करें। थैंक यू वेरी मच। जवानी मोर गतरे गतरे हटाए बाबू खतरे खतरे, कतल करवावेला हो कमरिया पतर पतरे। मैं मुझे लगता है कि हर एक एक्टिविटी का पार्ट बनना चाहती हूँ, जितना भी सोशल वर्क हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहती हूँ, और लोग मुझे बुला भी रहे हैं, और मैं हर एक उस संस्थान से जुड़ती जा रही हूँ जिसमें लोगों की मदद हो सके, और मतलब जिस समय मैं सक्षम नहीं थी उस समय नहीं कर पाती थी, बट अब मुझे लगता है कि अब मैं इस योग्य हूँ कि मैं समाज में यू नो सोशली कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैं आज एक्टिव हूँ। ड्रीम बॉय? अभी फ़िलहाल मैं ड्रीम गर्ल बनने में बिजी हूँ, सो बॉय में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिलहाल लोगों की क्रश हूँ, यूपी बिहार पटना झारखंड सब हिलाए हुए हैं, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भोजपुरी फिल्मों के लिए मेहनत कर रहे हैं लोग, स्थान के लिए थोड़ी और मुशक्क़त की ज़रूरत है, और सब अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और आई थिंक वो दिन हमारा भी आएगा। मैं आगे जाऊं और वैसा सोचूं तो शायद धीरे धीरे कर हमारे साथ और भी लोग सम्मिलित हो सकें और हमारे भोजपुरी को और आगे बढ़ा सकें, तो हम कमी क्यों निकालें? हम कमी निकालते रहेंगे तो हम यू नो